नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमानिहम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमला कांता त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। सोदियों की सहायता हम नहीं करने के बाबा साहब, आखिर क्यों करें सहायता? राणा विक्रमजीत ने ऐसा कौन सा भला किया है हमारे साथ? यह सवाल सिसोदियों के भले का नहीं है जयमल। जिस दिन विक्रमजीत हार गया मुगलों से, उस दिन हमारी बारी आए। जब बारी आएगी तब देख लेंगे बाबा साहब, कटकर मर जाएंगे लेकिन मुगलों के घर बहन प्याने नहीं जाएंगे। यह ठीक नहीं किया मानसिंह ने, लेकिन आप कुछ कहने लगे थे बाबा साहब। हाँ, मुझे लगता है इतिहास बहुत बड़ी करवट लेने वाला है। इस बार ऊंट किसी न किसी करवट जरूर बैठेगा। मतलब? आज ही खबर आई है, अकबर के यहाँ लड़का हुआ है। तो? जोधाबाई से, मान सिंह की बहन। तो? वो मुगल राजपूत हिंदुस्तान का युवराज है, हिंदुस्तान के राजगद्दी पर बैठेगा। जिंदा रहेगा तब ना? तुम सिर्फ मेड़ता की हदबंदी में सोचते हो जयमल। मेड़ता सिर्फ मेड़ता है, राजपूतों की एक टुकड़ी। मेड़ता हिंदुस्तान नहीं है,
तो आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए बाबा साहब? अकबर की राजसत्ता माननी पड़ेगी, और अगर लड़ना है तो विक्रमजीत से मिल जाना होगा, वरना अकेले अकेले सब। माँ, कृष्णा कहाँ है? अरे जरा दम तो ले, आते ही बहन की चिंता बढ़ गई। कभी माँ को पूछा है इस तरह? माँ, तुम तो यही हो ना, वो बेचारी यहाँ कितने दिन है, कल भी आ ही जाएगी, चली जाएगी। अजमेर वालों के यहाँ से रिश्ते की बात आई थी, उसका क्या हुआ? होली के दिनों में जाऊंगा तो मिलकर आऊंगा, मैंने कहलवा दिया। भैया मेरे लिए क्या लाए? ये ले। अरे और मीरा के लिए? मीरा के लिए उसने ये अंगूठी मांगी थी। लेकिन भैया ये तो हीरे की है। हाँ, तो वो कहाँ पहने की? उसके लिए तो मंगल लाना था। मंगल? वो तो एक जोगन पैदा हो गई है इस घर में। मैं तो कहती हूँ पहले उसी को ब्याह दो, छोटी है तो क्या हुआ, मुझे तो बेटी से भतीजी का बोझ ज्यादा लगता है। मैं तो कहता हूँ दोनों को एक ही दिन ब्याह दो। एक ही से? बहुत पाजी है ये लड़की। बहुत पाजी। भैया मेरा हजारीहार वो तुम्हें भूल ही गई। लेकिन मैं नहीं भूला, मैंने कहा था ना तेरे दहेज पर दूंगा। लेकिन ये मत पूछना कि दहेज कब मिलेगा। वो तो मुझे मालूम है। कब मिलेगा? शादी होगी तब। और शादी कब होगी? जब तेरा मिलेगा। बस वही मिलना मुश्किल है तेरे लिए। तुम इसे वैसा ही कुछ समझा दो ना, जैसे मीरा को उसकी माँ समझा गई थी। Thank you.
मीरा और कृष्णा कहाँ गई हैं जरा देख तो। वो तो देवा की कश्ती लेकर झील में गई हैं हुकुम। वही हुआ ना, झील के उस पार तक कृष्ण के मंदिर में जाएंगे। सिसोदियों का इलाका है, कहीं किसी ने कुछ कह दिया तो। मीरा रानी तो श्री कृष्ण के बहुत भक्त है हुकुम। भक्त तो हम भी हैं, पर वो तो दीवानी हुई जा रही है। मंदिर के लिए पंच दीपिका लाई हूँ पंडित जी। जीते रहो बेटी, चलो बेटी अंदर चलो। महाराज ये मंदिर उजड़ा हुआ क्यों लगता है, कोई भक्त नहीं आते यहाँ? आते हैं बेटी, कम आते हैं। राजघराना देवी की पूजा करता है ना, इसलिए प्रजा भी दुर्गा के मंदिरों में ही ज्यादा जाती है। वहाँ प्रसाद भी ज्यादा मिलता है। कहाँ ले जा रहे हो? जी जी आप कश्ती लेके चले जाइए, हम देख लेंगे इन्हें। अच्छा इन लोगों के साथ मेहरता से आए हो? छोड़ दो इसे। इसे छोड़ नहीं सकते बीवी, लेकिन आप भी वापस नहीं जा सकती। जानते नहीं मेहरता वाले यहाँ कदम नहीं रख सकते। छोड़ते हो कि नहीं? ये मेहरते हुकुम, इसकी कश्ती में मेहरता से आए हैं। राज घराने से लगती हैं आप? दुपट्टा लो सर पे। वीरमदेव की बेटी हो? राजा वीरमदेव का हो। क्या हुआ कृष्ण? क्या जानती नहीं कि मेड़ता वालों को इस इलाके में कदम रखना मना है? क्या भूल गई कि जयमल ने हमारे कुलगुरु के हाथ पांव बांध कर वापस भेज दिया था? छोड़ दो इन्हें, और आइंदा कोई मेरठी इस तरफ कदम रखे तो मुंडियां काट के झील में बहा देना। जाओ बेटी जल्दी जाओ, अगर फिर देख लिया तो हम पर कहर टूटेगा राणा का। ये कौन थे? पहचाना नहीं? खुद राजकुमार थे, राणा विक्रमजीत के छोटे भाई राजा भोजराज। मीरा चलो। अगले दिन अमावस युद्ध बंद रहेगा, अकबर का यह प्रस्ताव हमने स्वीकार किया। हमारा होली का त्यौहार है और उसी रोज अकबर अपने वलीहद बेटे के जन्म पर जश्न मनाना चाहता है। बादशाह ने यह दिन मुकरर करने में बहुत दूरंदेशी से काम लिया है। उसकी दूरंदेशी तो हम उसी दिन भांप गए थे जिस दिन राजपूतों के घर में उसने शादी की थी। हमें इस वक्त में फौजों को फिर से तैयार करना पड़ेगा। एक एक सिपाही इस वक्त एक एक दस्ते की कीमत रखता है। राजपूत लड़ते लड़ते थक चुके हैं, उन्हें हर तरह का आराम दिया जाए। भोज कहाँ है? नई फौजों का इंतजाम करने चित्तौड़ गए हैं। उन्हें फौरन उदयपुर बुलाइए। जो हुक्म। अकबर का पैगाम। अकबर ने अपने बेटे के जश्न पर न्योता भेजा, लिखा है युद्ध तो फिर भी लड़ लेंगे, होली का त्यौहार है और हमारे बेटे का जश्न, क्यों ना एक बार गले मिल लें। बिल्कुल अकबर जैसी बात। तो क्या आप इस जश्न में जाएंगे? नहीं, हाँ तोहफा जरूर भेजेंगे, आखिर मानसिंह से हमारी भी रिश्तेदारी है। हिंदुस्तान के कोने कोने से हमें मुबारकबाद के पैगामात और तहाइफ मौसूल हुए। आप जानते हैं मियां तानसेन, कीमती हीरे जवाहरात के साथ साथ किशमिश बादाम चिलगोजे और काबुल से जानते हैं क्या भेजा गया हमारे लिए? हींग। क्योंकि हमारे शहदाई ये जान गए हैं कि हमें मूंग की दाल में हींग का बघार बहुत अच्छा लगता है। उन्हें मालूम हो गया है कि हम यहां के रहने वाले हिंदुस्तान के, हम हिंदुस्तानी
समरकंद और बुखारा से आए हुए हमलावर नहीं। हमारे बाप दादा की कब्रें इस बात की गवाही देती कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम खुश हैं कि हमारे वलीअहद की तैमूरिया रगों में राजपूती खून भी शामिल है। लेकिन राजपूतों ने हमारे नूर नजर की पैदाइश पर जानते हैं क्या तोहफा भेजा मान सिंह। इसे पहचानते हैं ये क्या है? ये बीन है, बीन जो सपेरा सांप को बहलाने के लिए बजाता है। आपको बजानी आती है? यह तोहफा राणा विक्रमजीत सिंह ने हमारे लिए भेजा है ताकि उस सांप के बच्चे को जो पैदा हुआ है बहलाने के लिए हम सीख लें। मैं शर्मिंदा हूं महाबली। नहीं मानसिंह, शर्मिंदा तो हम हैं कि हम खुद को समझा नहीं पाए। हिंदुस्तान के शियाओं ने क्या भेजा हमारे लिए जानते हैं आप? अबुल फजल जरा पोशाक उठाकर तो देखिए, ये चंदन का तिलक, ये जनेऊ, ये आरती की घंटी, ये तोहफा भेजा हमारे लिए। हमको हिंदू होने का ताना दिया उन्होंने। फजली, हम अपने वलीअहद का मजहब जानना चाहते हैं, एक ऐसा मजहब जो मंदिर और मस्जिद से अलग उसे अपनी कौम, अपने वतन का नाम बता सके, कोई ऐसा मजहब। नमस्ते। जयमल, राजा जयमल हैं घर में? वो अजमेर गए हैं, लेकिन आप यहाँ। दुपट्टा लीजिए सर पे। आप यहाँ कैसे पहुंचे? क्या मीरता वालों ने सिसोदियों के राजकुमार को नहीं पहचाना? नहीं, होली के रंगों ने पर्दा कर लिया। रंगों ने नहीं, होली के त्योहार ने बख्श दिया, वरना झील में मुंडिया बहाना मीरता वालों को भी आता है। चलो कृष्णा, झील पर उस मंदिर बड़ा सख्त पहरा देते हैं, झील पार का सोचने भी नहीं देते। झील के पार कोई काम हो तो मुझे बताइए, यूं तो मेड़ता वालों को कदम नहीं रखने देंगे हम। बड़े झीठे हैं आप, मेड़ता में खड़े होकर इस तरह बात करते हैं। कौन है बेटी, किससे लड़ रही है? अरे मैं राणा विक्रमजीत का छोटा भाई फौजराज हूँ, भाई जी ने आपके लिए संदेशा भेजा। बहुत बड़े हो गए, बहुत वर्ष पहले देखा था। मीरा बेटी जरा गुलाल तोला, इनसे होली तो मिले। पिया बिन खारी लागे होली, होली की बच्ची। और भाई जी ने कहलवाया है कि आप जहां कहेंगे वहीं आकर मिलने को तैयार है। अरे उन्हें मेड़ता में आकर खुशी होगी अगर उनके यहां आने से आपकी शान में कोई कमी ना आए। क्या बात करते हो बेटा, उनके यहाँ आने से हमारी शान बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अपने भाई को यहाँ भेजकर जो मान उन्होंने मुझे दिया है वो मैं खुद चल के चुकाऊंगा। सुना है वो चित्तौड़ लौट आए हैं? जी हाँ, युद्ध कुछ दिनों के लिए बंद है और वो चित्तौड़ में ही रहेंगे। माना के बड़े योद्धा हैं राजपूत, युद्ध स्थल से कोई पीठ दिखाकर नहीं भागेगा, लेकिन एक एक मुट्ठी फौज लेकर कब तक लड़ सकेंगे, कब तक मुकाबला कर सकेंगे अकबर का? राजपूत इसी तरह बटे रहे तो अकबर को राजपुताना खत्म करते देर नहीं लगेगी। मैं तो खुद ही एक अरसे से यही सोच रहा था कि अगर हम आपस के बैर खत्म कर दें इस वक्त तो बहुत बड़ी ताकत जमा कर सकते हैं।
अगर मेड़ता हमारे साथ हो जाए तो छोटी मोटी रियासतों को मिलते देर नहीं लगेगी। हम आपके साथ हैं लेकिन बैर तो रहेंगे सिसोदियों से। चलिए यू ही सही, कुछ भाईचारे के बैर और बढ़ा लेते हैं। हमारे छोटे भाई भोजराज को आप अपनी बरखुरदारी में ले लीजिए। जी जी हाँ, अपनी बेटी कृष्णा हमें सौंप दीजिए। हम कृष्णा की शादी तय कराए हैं। यह शगुन की मिस्री है, मुंह मीठा कीजिए। और जयमल कहाँ है? जयमल क्या हुआ रानी कुंवर भाई, ऐसे हैरत से क्यों देख रही हैं आप? हम तो अगली पूर्णिमा की तारीख भी तय कर आए हैं। बेटी सिसोदियों के घर जाएगी? हाँ कुंवर भाई, इस शादी को चाहे कुर्बानी समझो लेकिन इस वक्त राजपूतों को एकता की बहुत जरूरत है और इसलिए यह समझौता। लेकिन जयमल जो, उसे मैं समझा लूंगा। ये संभव नहीं हो सकेगा हुकुम। सिसोदियों के घर भेजकर मैं अपनी बहन की बलि नहीं दूंगा बाबा साहब। वो देखिए, अजमेर वालों के यहां से शगुन की थालियां भी पहुंच चुकी। अगली पूर्णिमा की तारीख मैं भी पक्की कराया हूं बाबा साहब। नहीं जयमल, अंधेर हो जाएगा, बड़ा ही अंधेर हो जाएगा अगर यह शादी सिसोदियों के घर से टूट गई तो अनर्थ हो जाएगा जयमल। आप घबराते क्यों हैं बाबा साहब? युद्ध ही होगा ना, अब तो अजमेर वाले भी हमारे साथ हैं। अब देख लेंगे इन सिसोदियों को। अगर हर वक्त के मर मिटने की बहादुरी मत दिखाया करो मुझे। भेड़ बकरियों के कटने से इतिहास नहीं लिखे जाते जयमल, गाजर मूली की तरह काट दिए जाओगे अगर इस वक्त भी एक नहीं हुए। अगर लड़ना है मरना है तो किसी मकसद के लिए मरो, किसी आदर्श के लिए जान दो। तलवार का धनी हो जाने से आदमी सूरमा नहीं हो जाता, सिर्फ तलवारबाज होता है। अगर मरना है तो किसी सूरमे की मौत मरो। लेकिन अजमेर वाले जो जो मैं कहता हूं वो करो। जाकर समझा दो अजमेर वालों को यह शादी मेरी बेटी की नहीं है, यह राठौरों की शादी है सिसोदियों से। जयमल जयमल अभी तक नहीं लौटा। नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं। आ जाएगा, शायद कल तक आ जाएगा। शादी की तैयारियों में कुछ कमी तो नहीं? नहीं। द्वीप महल हम कृष्णा के दहेज में देंगे और हजारी हार वो तो जयमल खुद देगा अपनी बहन को, लेकिन कृष्णा, कृष्णा का विचार क्या है? राजपूत लड़कियों के विचार वही होते हैं जो उनके माँ बाप के विचार होते हैं। हाँ, राजपूतानियां अगर सती होके मर सकती हैं तो सती होके जी भी सकती हैं। पूर्णिमा है, जयमल वापस क्यों नहीं लौटा? अभी तक कोई खबर नहीं उसकी।
क्या होगा, बारातें तो दोनों तरफ से आ पहुंची हैं। अजमेर वाले सिसोदियों को टोली नहीं उठाने देंगे। हजारों राजपूत एक टोली के लिए कट मरेंगे। टोली लिए बगैर कोई भी वापस नहीं जाएगा। आखिर होगा क्या? क्या हो सकता है? लड़के मर जाने दो आपस में, अकबर के लिए आसानी हो जाएगी। अरे चलो ना, बाहर बारात ठहरी हुई है, देखेंगे। अब क्या करना है? अच्छी लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा चलो बाहर जाएंगे। चलो चलो नहीं, मैंने ठीक किया या भूल की, लेकिन मैंने तुम्हारी शादी भोजराज से तय की थी एक आदर्श के लिए, टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए राजपूतों को बचाने का। मेरे पास यही रास्ता था बेटी, बस एक ही रास्ता था कि पुरखों से चली आई दुश्मनी को खत्म करने के लिए मैं अपनी जान के टुकड़े की कुर्बानी दे दूं। और इसलिए मैंने तुम्हारी आहुति दे दी बेटी, लेकिन वो सब बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। इन हजारों राजपूतों को आपस में कट मरने से बचाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है बेटी, कोई रास्ता नहीं। उन्हें सिर्फ तुम बचा सकती हो बेटी। Thank you.
जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संव्याति नवानि देहि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत निर्मानमोहाचितसङ्गदोष अध्यात्मनित्यापनिवृत्तकाम न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि क्रामति उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते किलं यच्चान्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाद्विश्वजभूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधि शर्वाश्चोरशात्मक अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनो देहमाश्रित वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तमद्वेदविधेयताहं स्वामिनो पुरुषो लोके क्षरसाक्षरेव च क्षरसर्वाणि भूतानि भूतस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारित बिना कारण कृष्णा जहर नहीं खा सकती। हम समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। हम भी राजपूत हैं, हमने भी देश आदर्श के लिए अपनी माए बहनें कुर्बान की हैं। बहन जी, ये आरती नहीं उठेगी, नहीं, इस घर से आरती नहीं रोली जाएगी। आपकी बेटी नहीं, हमारी बहू मरी। कृष्णा राठौड़ों की बेटी नहीं, सिसोदियों की बहू थी। वह अभी मरी नहीं, कल चित्तौड़ जाकर उसकी मृत्यु होगी बहन जी। वहीं उसके संस्कार पूरे होंगे। जिस आदर्श के लिए शादी तय हुई थी वह आदर्श अवश्य पूरा होगा। भाई जी, राजपूतों के घर में लाशें नहीं ब्याही जाती। मुझे गर्व है अपने पति पर, जो अपने देश की जरूरत के लिए अपनी बेटी को जहर दे सकता है। और उससे भी ज्यादा गर्व है अपनी बेटी पर, जिसने पिता के आदर्श के लिए एक सवाल नहीं पूछा और जान दे दी। आप ही ने तो उस दिन कहा था कि राजपुतानी अगर सती होकर मर सकती है तो सती होकर जी भी सकती है। आपके आदर्श को अगर मेरी बेटी की ही जरूरत है तो कृष्णा न सही मीरा तो है, उसे ब्याह कर ले जाइए।
जी है ना, उनकी बेटी की शादी है। और वो घोड़े पर कौन बैठे हैं? रुक्मणी का दूल्हा। निचल बैठ मीरा, हिलती रहती है बस। और मेरा दूल्हा कौन है? तेरा दूल्हा वो रहा सामने, गिरधर। सवाई गिरधर। प्राण हमारा देवा देवता बृहस्पतिर देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता विश्वानि देव सवितर दुरतानि परास्व स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेषु चैव विघ्नस्तश्चिन जायते शुक्लां परमदेवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेति सर्वविघ्नोपशान्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी शान्ति। ये क्या तरीका है भैया? ना गृह प्रवेश की पूजा हुई, ना देवी का प्रसाद हुआ, ना कुल गुरु का आशीर्वाद लिया गया। कैसे करती वो सब? हालत नहीं देखी उसकी? तो एक दिन मेहमान घर में ठहरा दिया होता। कुल की रस्में पूरी के बगैर घर में कैसे प्रवेश होगा बहू का? मैंने तो पूरी कर दी रस्में, और क्या चाहिए तुम्हें? बहू की रस्में बहू की होती है भैया। कल जब बहू भोज होगा तो तुम पकाओगे? हमने भी हजारों लड़कियों की शादियां होते देखी हैं, इस तरह तो दौरे पड़ते कभी नहीं देखा किसी को। अकल से काम लौटा। अगर घर में मेरी लाश पड़ी हो और तुम्हारी डोली उठा के ले जाए ब्याहने वाले, तो क्या हालत होगी तुम्हारी? दौरे नहीं पड़ेगा तो और क्या होगा? कृष्ण के संस्कार अभी पूरे नहीं हुए थे और हम डोली उठा ले आए।
आप कैसी तबीयत है? अच्छी है। बहुत देर से हम इंतजार कर रहे थे। क्षमा चाहती हूँ, घर में कदम रखते ही सबको बेहाल कर दिया। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। आपको भी बहुत दुख दिया, सुख शायद नहीं दे सकूंगी आपको, लेकिन कोशिश करूंगी और दुखी ना करूं। कृष्णा तो मुक्त हो गई और मैं। क्या तुम खुद को बंदी महसूस करती हो? तुम जानती हो ना, जिस आदर्श के लिए यह संबंध जोड़ा गया है। वो आदर्श ही जानती हूं, उस आदर्श का सदा पालन करूंगी, और कोई संबंध शायद न जोड़ सकूं। राजनीति के विचार से राठौड़ों ने समझौता तो कर लिया, लेकिन मन से सिसोदियों के लिए घृणा नहीं निकाल सके। कारण ये नहीं, सिसोदियों के लिए मेरे मन में कोई बैर नहीं। तो फिर क्या कारण है? कारण मेरा अपना विश्वास, मेरा प्रेम। तुम किसी और से प्रेम करती हो? हाँ। राठौड़ है वो? नहीं। सिसोदिया है? नहीं। तो फिर कौन है वो? बचपन से उसी के साथ खेली हूँ, उसी के साथ बड़ी हुई हूँ, उसी से प्यार किया है। और तो उसी से तुम्हारे माँ बाप ने ब्याह क्यों नहीं करवा दिया? ब्याह तो हो चुका है मेरा उसी से। कौन है वो? कृष्ण। कौन कृष्ण? वही जिसकी मूर्ति मैं अपने साथ लाई हूँ। हम नहीं जानते थे कि तुम मजाक भी कर लेती हो। आप मजाक समझते हैं? विश्वास नहीं आता आपको? क्यों नहीं, लेकिन लेकिन हमने भी तो तुमसे ब्याह किया है, क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं? इसे पहनकर विश्वास आ जाएगा। ये जानकर भी कि मैं ब्याहता हूं? हाँ, वो ब्याह तुम्हारी आत्मा का है और ये वचन दो, जब तक ये देह है तुम इसे देह से अलग नहीं करोगी। काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देव चामुंडे जय भूतार्थ हारिणी जय सर्वगते देवी कालातीश नमोस्तुते। मधुकैटा विद्राविव धार्थ वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जय। ओम ह्रीं क्लीं श्लीं फट पशुपाशाय विद्महे महापशुवे धीमहि तन्नो निन्नो प्रचोदया। पशुत्तम बलि रूपेण ब्रह्मणा निर्मितं स्वयं अतस्त्वाम ध्याते स्वामिन् यस्मात् यज्ञे वधु वध। विक्रमजीत नहीं आए? राणा जी तो युद्ध स्थल पर गए हैं, लौट नहीं सके। बलि के लिए उनकी तलवार भिजवाई गई है। ओम रीम महिष मर्दनी स्वाहा, रीम काली काली लौह दंडाय स्वाहा। जय
जय महाकाली। मंत्र जीनम क्रिया जीनम भक्ति जीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम् मया ते परिपूर्णम् तदस्तु। आज बहु पूछे महाप्रसाद देवी के चरण छुआकर राशि रसोई में भिजवा दिया जाए। इसे तोड़ के डाल दीजिए। महाराज ये इसे रसोई से बाहर ले जाइए, भोज में मांस नहीं पकेगा। ये आप क्या कह रही हैं रानी माँ, ये तो महाप्रसाद है। होगा, इसे रसोई से बाहर ले जाइए, मैं मांस नहीं पकाऊंगी। भाभी कहा ना, ये मांस नहीं महाप्रसाद है। हमारे कुलगुरु ने आज खुद बलि पूजा करवाई है, इसका निरादर नहीं किया जा सकता। मैं किसी की पूजा का अनादर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि भोज में मांस नहीं पकेगा। लेकिन इस घर की यही रीत है भाभी, चार खूट से चारों आचार्यों को बुलवाया है, उन लोगों को क्या खास बात खिलाएंगे हम लोग? ऐसा कभी नहीं हुआ इस घर में, हमारे घर में वही करना होगा जो हम चाहेंगे। इस घर की जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है जीजी, ये भोज मेरा है और क्या पकाना है ये भी मेरी इच्छा के अनुसार होगा। ये घर तुम्हारा है कि हमारा? मुझे कहा गया है कि ये घर मेरा है, तुम्हारा है कि नहीं ये तुम जाकर अपने भैया से पूछो। वेद माम देव सगा कीर्ति स्मरणाम सह प्रादुर्भूतो सुरास्तेस्मिन् कीर्ति मृद्धिम ददात मे शुद्ध प्रवासामलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मी नास्याम्यम। महाराज परोसा लगा दूं, अन्न और दूध के ही पकवान हैं, स्वीकार करेंगे ना? हाँ हाँ, बहु भोज है, बहु जो खिलाएगी खाएंगे। तो उस महाप्रसाद का क्या होगा जो आपने भिजवाया था, उसे बाहर फेंकवा दूं? क्रोध बुद्धि विनाश करता है उदा, क्रोध नहीं करते, हम क्षत्रियों के पुरोहित हैं, देवी के भक्त, मांस तो महाप्रसाद है, बहु पकाएगी और हम ग्रहण करेंगे। क्षमा करें महाराज, जीजी ने कहा था पर मैंने मना कर दिया, देवी तो जगत जननी है, सबको प्राण देती है लेती नहीं। मेरा घर की बहू की तरह मर्यादा में रहो, गुरुजी से तर्क नहीं किया करते। कहने दो ना भोज, बहू से तर्क करना हमें अच्छा लग रहा है, विद्वान लगती है। हाँ बहू, क्या तर्क है तुम्हारा? तर्क तो पकवान में कंकर की तरह होता है महाराज, मेरे पास तो केवल श्रद्धा है, प्रेम है, और वो भी अपने गिरिधर के लिए। माखन चोर महाप्रसाद क्या जाने, ये शूरवीर राजपूतों के महल है बहु, आज देश की जो हालत है उसमें क्षत्रियों को भक्ति भाव के मंजीरे नहीं बजाने हैं, रण क्षेत्र में जाकर तलवार चलानी है, माखन खाएंगे तो दुर्बल हो जाएंगे। नहीं महाराज, उसी माखन चोर ने दुर्बल होते हुए अर्जुन से कहा था ना, शस्त्र उठा, कुरुक्षेत्र में कितनी तलवारें चली थी। तो फिर इन तलवारों के महाप्रसाद से हिचकती क्यों हूँ? महाराज वो तलवारें युद्ध में शत्रुओं पर चलती थी, घूंगे बेबस खूंटे से बंधे हुए पशुओं पर नहीं, उन पर तलवार चलाना तो कायरता है। मेरा भोजन भी परोसोगी या तरक्की करती रहोगी? परोसा लगा दो महाराज, सबका भूख लगी होगी। भूख का अभ्यास कर चुके हैं हम तुम्हारे मायके में, हाथ पैर बंधवा कर वापस भेजने से पहले भूख का प्यासा ही रखा था तुम्हारे भाई ने। आप उसका दंड मुझे देंगे, ये कौन सी वीरता है महाराज? बस करो बहू, हमने नारी से तर्क किया यही हमारी भूल थी, अब इसके पश्चाताप में इसी क्षण से हम 5 दिन का मौन धारण करते हैं।
खाना परोसो। प्रणाम भाई जी। जीते रहो। कैसे हो? बहू कैसी? अच्छी है भाई जी। जीती रहो बेटी। क्षमा चाहते हैं हम बहू भोज पर नहीं पहुंच सके, लेकिन भोजन हम इस वक्त भी वही खाएंगे जो तुमने बनाया। हमारा हिस्सा तो रखा होगा, ये ब्राह्मण सब खा गए। संध्या का भोजन तैयार हो रहा है भाई जी, बासी क्यों खाएंगे? प्रसाद कभी बासी नहीं होता भोजराज। हाँ, ठंडा जरूर हो जाता, उसे गर्म कर देना बहू। लेकिन आप कहे तो। बहू भोज में मांस नहीं पका था जेठ जी, इसलिए इन्होंने भी नहीं खाया, सिर्फ शाकाहारी भोजन ही बना था। क्यों, क्या बलि नहीं दी गई थी मंदिर पर? बलि दी गई थी भाई जी, लेकिन मीरा का व्रत था ना, इसलिए। ओ, मंगल का व्रत रखती हो तुम भी? हमारी माँ भी ये व्रत रखती थी, और उस दिन महाप्रसाद नहीं बनता था घर में। हमें आज भी याद है, भोजराज तब भी चाची के वहां जाकर खा लिया करता था। मांस खाओ। खैर, हम तो जो भी तुमने बनाया है वही खाएंगे। मीरा, हम भी खाएंगे भाई जी के साथ। क्या बना रही हो? अगड़ी। बड़ी गृहस्थन लग रही हो आज। क्यों, गृहस्थन हो नहीं क्या? क्या बना रही हो? अगड़ी। किसके लिए? कृष्ण को राजपूत बनाऊंगी, जिस देश रहना वही भेष पहना। अच्छा, एक बात बताओ, कृष्ण से क्या रिश्ता है तुम्हारा? जो स्वामी के साथ होना चाहिए। और हमसे? आप तो मेरे राणा हैं। आपका बुरा लगता है जब मैं? सुनो, तुम राधा से बहुत चलती हो। किसने कहा आपसे? ललिता कह रही थी। वही मेरी चुगलियां क्या करती है राणा से? नहीं, वो तो तुम्हारी हर तरह से प्रशंसा करती है। ये सुनकर बड़ा अजीब लगता था कि तुम राधा से चलती हो, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। उस चलन का अनुभव हमें भी होने लगा है तुम्हारे कृष्ण से। जेठ जी चले गए? हाँ, भाई जी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे बहू बहुत सुगढ़ है। अरे हाँ, जेठ जी बहुत भारी जिम्मेदारी दे गए हैं, कहते थे खजाने की चाबियां हैं, मैं कहां संभाल सकूंगी, आप ही से रखिए। भाई जी ने तुम्हें दी है, तुम ही रखो। मैं
आप इसे उदा जीजी को दे दीजिए, बल्कि ये गहने भी मैं उन्हीं को देना चाहती हूँ। हमारी सास ने ठीक ही कहा था। क्या कहा था? बेटा जोगन ब्याह कर ले जा रहे हो, हीरे पन्नों से मान नहीं भरेगा उसका, प्रेम ही प्रेम का धन है उसके पास। लेकिन हमें क्या मालूम था कि वो भी हमारे लिए नहीं। जी सुना, तुम बहुत अच्छा गा लेती हो, लिखती भी हो, उस भाई जैसी पुस्तक में कई बार लिखते देखा है तुम्हें। पढ़ा भी होगा? नहीं, ऐसी कोई चोरी हमने नहीं की। सुनाओ ना, सुनाओ। राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गासू, राजा रूठे नगरी राखे, हरि रूठा कहा जासू। राणा जी मैं तो श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी, चाकर रह सो बाग लगा सो, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गगन में तेरी लीला गासू। श्याम मने श्रद्धा है तुम्हारी आवाज में, जिसके घर गई हो भाग्यवान है कोई। बैरागनों का दर्द है तुम, सुहागनों का रस है, हर पल मिलती हो हर पल बिछड़ती हो, जैसा मेल है वैसी विरह। लो एक तारे पे गाया करो बेटी।
पूछो इससे, ये क्या कर रही थी वहां मंदिर में, और ये कारा से किसने दिया है? झील किनारे जो कृष्ण मंदिर है, एक बाबा थे वहां, वो दे गए। बाबा नहीं भैया, वही चमार रायदास, चमारों और ओगड़ों में बड़ा संत कहलाने लगा है। क्या क्या वो संत संत रायदास थे? हाँ हाँ, जो मिरासी दो बोल गा ले वही संत हो जाता है आजकल। तुम भी दो दिन नाचोगी वहां तो संत कहलाने लगोगी। भैया जरा पूछो इससे, किस तरह हाथ पैर मार मार के नाच रही थी वहां? मीरा, सुबह शाम की उलझन मत बनो मेरे लिए, तुम्हारे रहन सहन के दस्तूर अनोखे नजर आते हैं। ऐसी कौन सी अनोखी बात की है मैंने? इस घर में भजन कीर्तन की रस्म नहीं है क्या? इस घर की यही रस्म है कि यहाँ की बहू बेटियां बगैर आज्ञा के घर से बाहर नहीं जाती। आपने कहा था मैं इस घर में बंदी नहीं हूं। तुम आजाद हो, मैंने ये भी नहीं कहा था। लाओ ये तमूरा मुझे दो। जी जी, मेरे साथ हाथ चलाने की कोशिश मत करना, जो कहना अपने भाई से जाकर कहिए। ये गहने जरी जेवर कुछ अच्छा नहीं लगता ललिता, ये घर गृहस्थी छोड़कर उड़ जाने को जी करता है। नहीं मीरा, अब कोई दूसरा स्थान नहीं है तुम्हारे लिए। काशी चली जाऊंगी तुलसीदास के शरण में, या संत रायदास का चरण पकड़ लूंगी कि मुझे ज्ञान दे। बताइए मुझे कि मैं क्या करूं। मीरा, तुम्हारा मन भटक रहा है, मन को स्थिर करो। अपने स्वामी की ओर जो कर्तव्य है तुम्हारे, उनमें ध्यान दो। जिसे स्वामी माना है वही आकर हाथ क्यों नहीं पकड़ लेता, छल क्यों करता है, कपट क्यों करता है मुझसे? मीरा, मैं राधा नहीं जो वृंदावन में बैठी रहा देखूंगी, निकल जाऊंगी जिस तरह भी बांसुरी की धुन सुनाई दी। भैया सुबह से जो घोड़ा लेकर गए हैं अभी तक वापस नहीं लौटे, शायद उदयपुर गया होगा विक्रमजीत के पास। भाई जी के हुक्म के बगैर वो चित्तौड़ नहीं छोड़ सकते, ये आप जानते हैं। उस रोज भी यही हुआ था, बहु भोज के दिन। सईस कह रहा था जंगल में घोड़ा दौड़ा दौड़ा कर पागल कर दिया था उसे। उसका मन शांत नहीं है उदय। यही तो मैं देख रही हूँ। महायुद्ध के दिन है, ऐसी कोई परछाई उसके मन पर नहीं पड़नी चाहिए जो उसकी बुद्धि को बेबस कर दे। तो मैं क्या करूं? मीरा को कुछ दिन के लिए मैके भेज दूं? हाँ, अगर भोज आज्ञा दे। आप की क्या राय है? मीरा के लिए भी यही अच्छा होगा। हुकुम, ये बांसुरी बजाता हुआ कौन जा रहा है इधर से? गिरधारी हुकुम, ग्वाला गैया ले आए, समय है ना, रोज इस समय जाता है फिर शाम को लौट कर आता है। उसे कह दो कल से अपना रास्ता बदल ले, महल के पास से होकर ना जाए। जो हुकुम।
उठा। मीरा, बाकी भक्तों में बांट दो बाहर। पंडित जी, ये नाम वाले आपके लिए लाई हूं। सुखी रहो बेटी, ये उजड़ा मंदिर तो एक बार फिर से बस गया। तुम्हारे आने से भक्त भी आने लगे हैं बेटी। भगवान भी आते हैं कभी? मैं तो उन्हीं की खोज में आती हूँ। भगत भगवान ही का स्वरूप तो होते हैं बेटी, तुम भी तो उन्हीं का रूप हो। भगवान जब वृंदावन जा रहे थे तो राधे आई। राधा का नाम मत लो पंडित जी। क्यों बेटी? मैं उसे देवा कहता था, वो मेरी सौत है। भगवान के भगत सब एक ही समान होते हैं। तो फिर उसे भी मीरा कहो या मुझे राधा। चल मीरा, राणा जाके होंगे। वो सोए ही कब थे? मैं दोषी हूँ ललिता, राणा के लिए बड़ी दोषी हूँ। ये क्या है? राणा जी ने आपको मायके तक पहुंचाने की आज्ञा दी है और कहा है। और क्या कहा है राणा जी ने? और कहा है जब आवश्यकता होगी तो हम खुद आपको बुला लेंगे। करे करावे आप ही, नाम न अपना ले, आप ही हाथ बढ़ाएगी जय भावे तुझे। हमने तो सुहागन बनाकर भेजा था बहन को। सिसोदियों ने बैरागन बना दिया। दोष मेरा है भैया, राणा जी का नहीं। तो प्रायश्चित करने पिता के घर क्यों आई हो? अब तुम्हारे पाप पुण्य सुख दुख सब पति के घर हैं, पिता के घर नहीं। कि जाने से पहले मां सारी शिक्षा तुम्हें नहीं दी थी? क्षमा करना भैया, राणा जी ने अमानत लौटाई थी, तुम्हारी चौखट से छुके ले जा रही हूं। बाबा सा पता नहीं कब युद्ध से लौटेंगे। माँ लौटे तीर्थ यात्रा से तो कहना मुझे आशीर्वाद दे, जो शिक्षा अधूरी रह गई उसे पूरा कर सकूं। ललिता, इस बार तुम मेरे साथ नहीं होगी। अपनी शिक्षा अपना ज्ञान मुझे अकेले ही प्राप्त करना होगा। सुधाकर यहाँ भाई,
देख चूल्हा न बुझने पाए। चुते उतर करे जो भावे मेरम मेर न कोई अटकावे तेरा दास खलास चमारा जो हम सरी सो मीत हमारा। कौन? मैं मीरा। मैं हो तो मीरा क्यों और मीरा हो तो मैं कौन? बैठ जाओ चौकी खींच लो। क्या चाहिए? दान मिला था भिक्षा चाहिए। खाली था जब पूरा लागो कम लागो जब पायो थोड़ो। ज्ञान चाहिए महाराज। ढाई आखर प्रेम के जाने सो ज्ञानी होए। भक्ति क्या काफी नहीं थी तो ज्ञान चाहिए वो भी शूद्र से गवार से राजपुताने से यहां तक आई हो। पूरब को चल देती तो काशी पहुंच जाती। तुलसीदास जी से भेंट हो जाती। अरे तुलसी के पास जाओ परम ज्ञानी है ज्ञान देगा। तुम तो रंग गई। गई कुमती लई साधक की संगत भगत रूप भई सांची मेरा सांवरे के रंग रांची। Thank you.
ये मंदिर अब कभी नहीं खुलेगा। ये राणा जी का हुकुम है। धर्म अनुशासन राजाओं का काम नहीं है। राजपाट में धर्म की रक्षा के लिए हम तुम्हारे राणा को भी हुक्म दे सकते हैं। तो ये मंदिर आपके हुक्म से बंद हुआ है? हमारे हुक्म से इसे तोड़वाया भी जा सकता था। तो क्या आपके हुक्म से पुजारियों को अपने भगवान भी बदलने पड़ेंगे? हमसे तर्क मत करो बहू। हम चाहते तो उस पुजारी को मृत्यु दंड दे सकते थे। उसने राजा के धर्म में बाधा डाली है। उस दंड का अधिकार तो मेरा है, बाधा मैंने डाली है। हम तुम्हें पश्चाताप का अवसर देते हैं। कल करवा चौथ का दिन है, अपने पति के लिए व्रत रखकर प्रायश्चित करो। पति ही तुम्हारा परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर ही मेरा पति है। मेरे परमेश्वर को तो आपने ताले में बंद कर दिया है। मैं तो उसी के लिए व्रत रखूंगी और तभी खोलूंगी जब वो दर्शन देगा। तुम समझती हो ये मंदिर फिर खुलेगा? पता नहीं महाराज, आपका अधिकार तो सिर्फ ताले चौखट तक है, परमेश्वर तक नहीं। पता नहीं आप खोलेंगे या वो खुद खोलेगा। बहू, हम तुम्हारे आने की सूचना भोज तक पहुंचा देंगे और कह देंगे मीरा अपने विश्वास की परीक्षा ले रही है, आज्ञा दी जाए। निराश होने पर वापस घर लौटना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। क्या लाई हो कला? भोजन। किसके लिए? आपके लिए, उदामा ने भेजा है। उन्हें मालूम नहीं मेरा व्रत है? करवा चौथ का व्रत तो खत्म हो गया रानी माँ, चांद को देख के व्रत खोल लीजिए ना। वो जानते हैं मेरा व्रत कब खुलेगा। तुम नहीं जानती उदा, वो इस तरह अपना व्रत नहीं खोलेगी। तुम उसकी जिद नहीं जानती। पहले नहीं जानती थी, अब जान जाऊंगी जब व्रत खुलेगा। खुले
रानी माँ ने तो जल भी नहीं लिया। नहीं लिया तो ना ले, अच्छा है ना, आज मरे कल दूजा दिन। देखती हूँ कौन किवाड़ खोलता है मंदिर की। जिंदा रहेगी ना रहे जरूरत किसे है? भाई जी तो पागल हो गए।
हमें कोई शौक नहीं कि हजारों लाखों सिपाहियों को अपनी जिद के लिए मौत के घाट उतार दें। हर सिपाही की जिंदगी हमें अपनी ही जिंदगी की तरह प्यारी है और अपनी ही जिंदगी की तरह हम उसे अपने आदर्श के लिए कुर्बान कर सकते हैं। हक पर भूल रहा अगर वो समझता है कि उसके धर्म से हिंदुस्तान एक हो जाएगा। धर्म देश नहीं, मजहब मजहब है, कौम कौम है। हमारा ईमान गवाह है कि जंग पर जाने से पहले हम जोधाबाई के हाथ से अपनी पेशानी पर तिलक लेते हैं और कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाते हैं, इंसाफ की कसम। हम किसी पे मजहब आयत करना नहीं चाहते। हम ये जरूर चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक कौम बन जाए और ये कौम एक बार एक परचम के तले खड़ी होकर ये कह सके कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा वतन हिंदुस्तान है। तलवार इसका फैसला नहीं कर सकती, इसका फैसला तो प्रेम ही कर सकता है और उसके लिए शक्ति की नहीं भक्ति की जरूरत है। मीरा, तुम तो संतों की तरह बातें करने लगी हो। तुम्हारी तरह लिख सकते गा सकते तो हम एक तारा लेकर युद्ध पर जाते, लेकिन वो हथियार हमें चलाना नहीं आता। हाँ, जाते हुए तुम्हारी कोई निशानी साथ ले जाना चाहते। इसे हाथ में पहना दो। वचन देते हैं जब तक जान है तुम्हारे मंगलसूत्र की तरह ये देश से जुदा नहीं होगी। तिलक नहीं लगाओगी? अभी लाई। क्या हुआ? क्या हुआ बोलो। मेरा गोपाल कृष्ण मेरा कहाँ है? किसने निकाला? आपने हटा दिया उसे? पर जाओ और मिल लो उसे। यह नया मंदिर तुम्हारे लिए बनाया गया था ताकि भजन कीर्तन के लिए तुम्हें घर से बाहर ना जाना पड़े और इस घर की मान मर्यादा तुम्हारी निर्लज्जता से बच जाए।
कृष्णा कौन संग जोड़ू जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ू जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ू सही खबर ला कर दो। हमने सुना है मीरा घर छोड़कर चली गई है। जी उपम। Thank you.
हम तो स्वर के पंडित हैं आलिजा, वो स्वर के साधु है। आपके बाद भी कोई आवाज है हिंदुस्तान में मियां तानसेन? वो इल्हाम की आवाज है जहां पना, मोहब्बत इबादत की आवाज, जब से सुनी है हमारे दिलो दिमाग में गूंज रही है। हम भी उस आवाज को सुनना चाहेंगे। दरबार में क्यों कैद कर दिया आपने? इनकी आवाज सिर्फ एक ही है हिंदुस्तान में, मैं पहचानने में भूल नहीं कर सकती। बादशाह ने दरबार में बुलाकर हमें इज्जत दी है, मान दिया है। वो मान और भी बड़ा होता अगर बादशाह दरबार छोड़कर आता और आपकी प्रार्थना में शामिल हो जाता। आप अपने बादशाह से कह दीजिए आवाज खरीद लेने से
अल्लाह नहीं खरीदा जाता है। मेरे बादशाह से आप ऐसा न कह सकेंगी। मैं जो कह रही हूँ बादशाह के सामने ही कह रही हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भेंट हमारी तरफ से कबूल फरमाइए। आपने फिर खरीद शुरू कर दी। ये कीमत नहीं नजराना है, हमारी तरफ से इसे मंदिर की मूर्ति पर चढ़ा दीजिए। जानते हो ये क्या है? अकबर के गले की माला है जो तुम्हारी पत्नी को इनाम में दी गई है उसके अच्छा गाने के लिए। इससे बड़ा मजाक हमारे घराने के साथ आज तक नहीं हुआ। हमने राठौड़ों से दोस्ती की थी इज्जत और आबरू बढ़ाने के लिए, उसे मिट्टी में मिलाने के लिए नहीं। हम बहू मांग कर लाए थे उस घर से। एक इस औरत ने विश्वासघात किया है, धर्म का भ्रष्टाचार किया है, इसका फैसला किया जाएगा। कुलगुरु राजपुरोहित और गण लोगों के सामने हम धर्म अदालत बुलवाएंगे। जो भी दंड वो निश्चित करेंगे तुम्हें मानना पड़ेगा, चाहे वो मृत्यु दंड ही क्यों ना हो। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवा पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेवम चम विभुम। मनुष्य असंपूर्ण है, मनुष्य मनुष्य की परीक्षा के योग्य नहीं, किंतु धर्म समाज का नियम है और जो उस नियम को खंडित करता है धर्म समाज और ईश्वर के प्रति दोषी है। नैतिक पाप है ये और सामाजिक अपराध भी। ब्राह्मणों और प्रजाजनों, राजकुमार भोजराज की पत्नी राजरानी मीरा पर आरोप है कि इसने एक नहीं कई नियमों का खंडन किया है। उन पर विचार करने के लिए यह धर्म अदालत बुलाई गई है। ईश्वर की इच्छा और प्रजाजनों की अनुमति से मैं धर्म अदालत का कार्य आरंभ करता हूं। मीरा के दोष प्रजाजनों को पढ़कर सुना दिया जाए।
प्रथम धर्मशास्त्र और समाज के नियम के अनुसार निश्चित है कि पत्नी अपने पति का धर्म स्वीकार करे। मीरा ने अपने पति का धर्म स्वीकार करने से इनकार किया। मीरा ने पर पुरुषों से संबंध जोड़े जो रिश्ते में ना उसके ससुराल से थे और ना ही नैहर से। छोटी जाति के लोगों से संबंध बढ़ाकर मीरा ने राज परिवार की मर्यादा को भ्रष्ट किया। मीरा ने कृष्ण मंदिर जलाने की चेष्टा की जो राजसी हुक्म से बंद कर दिया गया था। पति की अनुमति के बिना मीरा ने पति का घर छोड़ा और एक से ज्यादा दिन तक बाहर रही। राणा भोजराज की सिवा भी मीरा किसी और को अपना पति मानती है, जो धर्मशास्त्रों के अनुसार किसी भी स्त्री के लिए पाप है। राजा, प्रजा और देश के प्रमुख शत्रु सुल्तान अकबर से मीरा ने उपहार स्वीकार किए, जो स्वयं उसके भाई राजा जयमल की मृत्यु का कारण हुआ। मीरा, तुमने अपने पति का धर्म स्वीकार करने से इनकार किया। हमारा प्रश्न तुमसे है मीरा, क्या तुमने अपने पति का धर्म स्वीकार करने से इनकार किया? जवाब क्यों नहीं देती? महंत जी पूछ रहे हैं कि। उदा, ये तुम्हारे परिवार की समस्या नहीं, धर्म और न्याय का प्रश्न है। मीरा, तुम्हारा मौन, तुम्हारी खामोशी तो स्वीकार करने का प्रमाण होगी। हम तुम्हें अपनी सफाई का एक और अवसर देते हैं। क्या तुमने अपने पति का धर्म स्वीकार करने से इनकार किया? मारो धर्म तो एक ही सांचो, भव सागर संसार। मीरा, यह कविता का समय नहीं है। जो प्रश्न किया गया है उसका उत्तर दो। मारो धर्म तो एक ही सांचो, भव सागर संसार सब कांचो। क्या तुम स्वीकार करती हो कि राजकुमार भोजराज के सिवा भी तुम्हारा को और पति है? जाके सर मोर मुकुट, मेरे पति सोई। तो अदालत ये मान ले कि तुम्हारे एक नहीं दो पति हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। पत्नी होने के नाते अपने पति की तरफ तुम्हारे क्या कर्तव्य हैं? यह तो अवश्य जानती होगी। उसे संतान भी दे सकती हो जिसे अपना पति मानती हो। नारी का यह कर्तव्य तो अच्छी तरह जानती होगी। मैं आत्मन हूं, शरीर नहीं। मैं भावना हूं, किसी समाज का विचार नहीं। मैं प्रेमी हूं, प्रेमिका हूं, केवल प्रेम नाम की जोगन। किसी संबंध की कड़ी नहीं, किसी परिवार की खूंटी से बंधी सांकल नहीं। जिंदा रहने के लिए जो आहार अपने परिवार से लेती हो उनकी तरह तुम्हारा कोई फर्ज नहीं। ये वस्त्र जो पहनती हो, वस्त्र शरीर के लिए है महाराज, शरीर वस्त्र के लिए नहीं। जैसे लिबास शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, वैसे शरीर आत्मा से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। जो परिवार तुम्हें जिंदा रखता है और जिस समाज में तुम रहती हो, क्या उसके नियम तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रखते? आज इसी पल मैं अपना परिवार और आपका समाज दोनों का परित्याग करती हूँ। हमें अफसोस है मीरा कि तुम्हारे विचार के लिए हमें ही नियुक्त किया गया है। तुम्हारे कुल गुरु होने की हैसियत से मेरे ज्ञान गुरु संत रायदास हैं, आप नहीं। एक नीच जाति के आदमी से और ज्ञान मिल भी क्या सकता था तुम्हें? जिस त्याग की बात करती हो तुम, उसमें समाज के नियम से
फरार और छुटकारे का छल नजर आता है। जिसे प्रेम कहती हो उसमें हिरस और वासना की गंध आती है, वरना कई दिन तक पराए पुरुषों के साथ तुम घर से बाहर न रहती। तुमने राजघराने के मान और मर्यादा को भ्रष्ट किया है, प्रजा के धर्म में विष खोला है। राणा बिना कोई विचार किए तुम्हें मृत्यु दंड दे सकते थे, लेकिन ये हमारी विचारता है कि हम तुम्हें सफाई का अवसर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा धर्म आज भी क्षमा और पश्चाताप को दंड से ऊंचा स्थान देता है। क्रोध बुद्धि विनाश करता है महाराज, क्रोध न करें। आप अपना धर्म देखें, मैं अपना कर्म कर रही हूं। मृत्यु से मुझे भय नहीं, जिस शरीर से सीमित हूं उसकी मृत्यु हो जाए तो मैं असीम हो जाऊंगी, अनंत में समा जाऊंगी। आप परिणाम की इच्छा से बंधे हैं और मैं इच्छा का परिणाम जानती हूं। मेरे कर्म में गीता मत सिखाओ हमें, यहां ना कष्ट है ना अर्जुन ना कुरुक्षेत्र। तुम क्या दूसरी गीता की रचना कर रही हो? उसकी गीता भी एक ही थी और गीता का वो भी एक ही था, मेरा कृष्ण। तुम्हारा कृष्ण तुम्हारी बपा की नहीं है वो। न्याय का शेष कार्य कल पूरा होगा, मीरा को वापस पंक्ति घर में पहुंचा दिया जाए। गली तो चारों बंद हुई, मैं हरी सोंग कैसे मिलू जाऊं। बार बार पग धरे जतन से, बार बार दिख जाए। युद्ध से लौटाए? हाँ, युद्ध से महायुद्ध के लिए लौटा हूं। बहुत घाव दिए युद्ध ने। तुमने जो घाव दिया है वो सबसे गहरा घाव है मेरा। तुम क्षमा मांग लो मेरा। मेरा दोषी क्या है? तुम क्षमा मांग लो, भाई जी तुम्हें माफ कर देंगे। तुम नहीं जानती, तुम्हारा दंड निश्चित हो चुका है। तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, गणलोक के सामने तुम्हें जहर का प्याला पीना पड़ेगा। मेरा तुम भाग जाओ, द्वारका चली जाओ, वहां तुम्हें कोई नहीं छू सकता। कमजोर न बनो राणा जी, मेरे राणा तो राजपूत हैं, मेरे राणा को ये शोभा नहीं देता। राजकुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो क्षमा चाहते हैं, आज अदालत में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। क्या हुआ राणा को? राणा को क्या हुआ है? तुम्हें क्या सचमुच भोजराज की चिंता है बहू? चार दिन पास रह लो तो पड़ोस की चिंता हो जाती है महाराज। अपने राणा की चिंता नहीं होगी मुझे, जिनकी शरण में इतने दिन जी हूं। अपने परिवार में और किसकी चिंता है तुम्हें? मुझे तो आपकी भी चिंता है महाराज, जिन्हें बहुत क्लेश दिया है मैंने। शांत, जिन्हें त्याग रही हो उनकी चिंता भी करती हो तुम? चिंता अपने प्रेम की है महाराज, परिवार की नहीं।
संसार घटता घट जाए, मेरी प्रीत नहीं घटती। तुम दीवानी हो गई हो मीरा, और दीवानों को हमारा कानून दंड नहीं देता, उनका इलाज करता है। प्रेम क्या रोग है जिसका इलाज करेंगे आप? शांत, ये धर्म अदालत है, नवचंदी का मेला नहीं। प्रजाजनों से निवेदन है कि वो मौन धारण करें। मीरा, तुम पर देशद्रोही होने का आरोप है। तुमने देश के प्रमुख शत्रु सुल्तान अकबर से उपहार स्वीकार किया। मेरा कोई शत्रु नहीं। तुम्हारे देश का शत्रु क्या तुम्हारा शत्रु नहीं? आप अपना देश बस वहीं तक मानते हैं जहां तक आपका राजपाट चलता है। आपका देश कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। मैं आपकी सीमा को अपने देश की सीमा नहीं मानती। तुम अकबर को भी अपने देश का शत्रु नहीं मानती? जो तुम्हारे भाई की मृत्यु का कारण बना और जिसने तुम्हारे पति को असंख्य खाब दिए। देश प्रबंध और राजनीति राणा का क्षेत्र है, मेरा नहीं। न्याय आसन पर बैठकर न्याय करना हमारा क्षेत्र है। जो भी देश हित और धर्म नीति के विरुद्ध व्यवहार करेगा उसे दंड देना हमारा कर्तव्य है। मैं आपको अपने कर्तव्य से नहीं रोक रही हूँ। अपने अपराध का दंड जानते हो तुम? मेरा दंड क्या होगा ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मैं आपको अपनी हत्या के पाप से मुक्त करती हूँ। तर्क और विचार के समय समाप्त हुआ। कल मीरा का फैसला सुना दिया जाएगा। चाबी लो और मीरा को कैद से निकाल के ले जाओ। जो संतरी तुम्हें यहां तक लाया है वो द्वारका तक पहुंचा देगा। लो ललिता, वक्त बहुत कम है। मीरा की आत्मा मर गई तो शरीर बचा के क्या करेंगे आप? बंद करेंगे उपदेश। राजा भोजराज की पत्नी राजरानी मीरा का न्याय विचार पूर्ण हुआ।
धर्मशास्त्र, सामाजिक विधान तथा नैतिक मान्यताओं के अनुसार मीरा अपराधी साबित होती है। ये प्रमाणित हो चुका है कि मीरा ने धर्म का खंडन किया, राष्ट्रीय आदेशों का उल्लंघन किया और नैतिक मान्यताओं को नष्ट किया। धर्म अदालत ने इन सब अपराधों के लिए मृत्यु दंड निश्चित किया है। धर्म अदालत मीरा को जनलोक के सामने विष का प्याला पीने का आदेश देती है। आयुष्मान धर्म प्रतिनिधियों और प्रजाजनों, हमें शोक समाचार देते हुए दुख होता है कि मेड़ता के राजा विरमदेव मुगलों से लड़ते हुए आज युद्ध भूमि में शहीद हो गए। मीरा के खानदान की आखिरी निशानी है। धर्म अदालत से हमारी विनती है कि मीरा का न्याय विचार करते हुए उसकी तरफ दया और सहानुभूति से विचार किया जाए। धर्म का कार्य पाप का नाश ही नहीं, विश्वास की स्थापना भी है। हम एक और अवसर देते हैं मीरा को, अगर वो अपने पति का धर्म अपना ले और जनलोक के सामने क्षमा मांग ले तो धर्म अदालत उसे माफ कर देने के लिए एक बार फिर से विचार कर सकती है। मीरा, गजर के 3 बार बजने तक तुम्हें विचार करने का समय दिया जाता है। एक बार एक मौका और दीजिए, मैं मीरा से एकांत में बात करना चाहता हूं। मीरा, एक बार तुम जानते हो ना, युद्ध पर जाते हुए पीछे से आवाज नहीं देते। मैं अपने सत्य के युद्ध पर जा रही हूं, मुझे पीछे से आवाज मत देना।